100. दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री बनने के बाद है ये दूसरा दौरा। गोरखपुर में आदित्यनाथ के स्वागत की जोरदार तैयारियां। अवंतिका होटल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। योगी ने कहा एक महीने में नजर आएगा बदलाव। जिन्हें कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं वो छोड़ दें योगी। हम लोग पहले ही इस बात का आग्रह कर चुके हैं कि जिन्हें कानून के राज में विश्वास नहीं वे कृपया उत्तर प्रदेश को अवश्य छोड़ दें। योगी आज गोरखपुर में करीब 12 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। गोरखपुर विश्वविद्यालय में होगा लोकार्पण कार्यक्रम। योगी ने कहा 15 जून तक गड्ढा मुक्त होंगी सड़कें। पूरी होनी चाहिए डेडलाइन। हम लोगों ने कहा कि 15 जून तक किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। गांव में 18 घंटे बिजली देने का वादा। 25 जिलों में 24 घंटे बिजली की सप्लाई। यूपी से युवकों का पलायन रोकने की कोशिश। केंद्र की सारी कल्याणकारी योजनाओं को करेंगे यूपी में लागू। गले में एमसीडी में जीत का भी किया योगी ने जिक्र। ईवीएम पर लगे आरोप को जनता ने नकारा। ईवीएम का मतलब एवरी वोट मोदी। दो दिन के दौरे पर जम्मू पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। झंडे पोस्टर्स के साथ जबरदस्त स्वागत। बीजेपी सांसदों विधायकों से मिलने का कार्यक्रम। बीजेपी पीडीपी गठबंधन की समीक्षा। अमित शाह ने महबूबा सरकार में बीजेपी के मंत्रियों के कामकाज का लिया ब्यौरा। स्थिति की ली जानकारी। जम्मू कश्मीर के कानून व्यवस्था पर भी चर्चा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अविनाश राय राज्य बीजेपी अध्यक्ष भी मौजूद। अमित शाह बुद्धिजीवियों राज्य के महत्वपूर्ण लोगों के साथ एक एक करके बैठक करेंगे। मौजूदा स्थिति पर जानेंगे सबकी राय। तीन तलाक पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। मुस्लिम समाज इस परंपरा के खिलाफ आगे आकर बनाएगा मिसाल। मुस्लिम बेटियों को उनके साथ जो गुजर रही है जो बीत रही है उसके खिलाफ वो खुद लड़ाई लड़ेंगे और कभी न कभी रास्ता निकालेंगे। दिल्ली में एमसीडी हार के बाद पार्टी के अंदर उठी विरोध की आवाज पर केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया। माफीनामा जारी किया। केजरीवाल ने माना चुनाव के दौरान कई गलतियां हुई इन्हें समझने और सुधारने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल ने माना कार्यकर्ताओं की मेहनत से बनी पार्टी। कहा आरोप लगाने का नहीं काम करने का है समय। केजरीवाल के बयान पर दिल्ली के प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा हम अपने काम को जनता तक नहीं ले जा पाए। तलाक पर बीजेपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। हवस के लिए पत्नियां बदलने के लिए तलाक देना और बच्चों को सड़क पर भीख मंगवाना गलत। तो अपनी हवस को पूरा करने के लिए पत्नियां बदलते रहने का काम कर रहे। अपने ही बच्चों को अपनी ही पत्नी को सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर दे तो स्वाभाविक रूप से इसे ना आप अच्छा कहेंगे न कोई दूसरा अच्छा कहेगा। बयान के बीच उधम सिंह नगर से तीन तलाक की आई एक और खबर। न्यूजीलैंड से पति ने फोन पर दे दिया तलाक। न्यूजीलैंड में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं रेहाना का पति मतलूब हुसैन। 9 साल का बेटा भी है। मुजफ्फरनगर में शादी में मीट नहीं परोसे जाने पर दूल्हे ने शादी से किया इनकार। मामला दूल पकड़ने के बाद लड़का राजी हुआ तो दुल्हन ने मना कर दिया। लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर पुलिसकर्मी ने बुजुर्ग रिक्शा चालक की पिटाई की। अवैध वसूली से मना करने पर भड़क गया। यूपी में कानून के राज का इंतजार। पीलीभीत में घर के बाहर बेटी के साथ बैडमिंटन खेल रहे पिता को 3 बाइक सवारों ने बुरी तरह से पीटा।
बाइक सवारों ने पहले छेड़खानी करते हुए बैडमिंटन खेल रही लड़की के आगे बाइक से कट मारा, कुछ दूर जाकर वापस लौटे लड़की के पिता की पिटाई कर। पिटाई के विरोध करने पर तीनों बाइक सवार कुछ देर बाद अपने साथियों के साथ फिर से पहुंचे, लोहे की छड़ लाठी डंडों से मारपीट की, धमकाया, तमंचा दिखाया। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यूपीएसटीएफ की पीठ थपथपा रहे हैं। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर डिवाइस के जरिए ग्राहकों के ठगी के उजागर होने से खुश हैं। दिल्ली की रोहिणी अदालत में फायरिंग, कैदी की मौके पर मौत, पकड़ा गया आरोपी। दिल्ली के छावला में नाले में डूबने से पिता पुत्र समेत 5 की मौत, 4 की हो चुकी है पहचान। कोलकाता में मॉडल सोनिका सिंह चौहान के हादसे में मौत, 7 सफर कर रहे बंगाली एक्टर विक्रम चटर्जी घायल। कोलकाता के लेक मॉल के पास हादसा, टक्कर के बाद पलट गई थी कार। पटना के खाजे कला में देसी बम फटा, 3 बच्चे घायल। कुपवाड़ा आतंकवादी हमले में शहीद कैप्टन आयुष यादव के सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई, कानपुर में हजारों लोग निकले। आर्मी कैंप पर आतंकवादी हमले से मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे कैप्टन आयुष, लोगों ने अंतिम यात्रा पर बरसाए फूल। विशाखापट्टनम में कुपवाड़ा के एक और शहीद की अंतिम यात्रा, वेंकट रमन्ना के सैनिक सम्मान के साथ विदाई। खुफिया एजेंसियों के अनुसार कुपवाड़ा हमले में शामिल 2 आतंकवादी मौके से भागे, 1 का छूट गया था हत्या। कोची में एनआईए अदालत का फैसला, 5 माओवादियों को 3 साल की सजा। जयललिता के कोडनाडू स्टेट में चोरी के 2 आरोपियों की सड़क हादसे में मौत, 1 रात में ही दोनों वारदात। 24 अप्रैल को जयललिता के कोडनाडू स्टेट में चोरी करने घुसे थे 8 लोग, 1 गार्ड की हत्या, 2 घायल। जख्मी गार्ड के बयान के आधार पर पुलिस ने शुरू की धरपकड़, अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जमीन के कई कागजात हैं गायब। हैदराबाद में आंध्र ज्योति भवन में आग, 3 मंजिल पर लपटे। सूरत के एक शख्स की अमेरिका में हत्या, परिवार और रिश्तेदारों ने दी श्रद्धांजलि। लुधियाना की फैक्ट्री में आग, फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी। गर्मी बढ़ने के साथ उत्तराखंड के जंगलों में बढ़ी आग, भीमताल के जंगलों में लगी आग। जालंधर में नशे का कारोबारी गिरफ्तार, दिल्ली से लाकर बेचता था नशीला सामान। गाजीपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा एसटीएफ, हेराफेरी का नटवरलाल, मदद के बहाने निकाल लेता था पैसे। दिल्ली में कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए सरकार से गुहार, मौन विरोध प्रदर्शन। जोधपुर में पत्रकार और पुलिस के बीच झड़प, 1 दिन पहले की घटना। हरियाणा के सोनीपत में अवैध संबंध के शक में महिला पर हमला, पिता और चाचा ने जख्मी किया। बिहार के दरभंगा में अपने शादी के लिए प्रेमी के घर पहुंची प्रेमिका, इनकार करने पर हाथ की नसी काट ली। बिहार के कटिहार में जज के घर में चोरी, वारदात के समय बंद था सरकारी घर। झारखंड के लातेहार में 1.5 किलो के 5 3 बम बरामद, सर्च अभियान के दौरान मिले बम। दिल्ली में दिन दहाड़े स्कूल टीचर पर हमला, सड़क के बीचों बीच पिटाई। स्कूल टीचर के अनुसार एमसीडी चुनाव में वोट देने को लेकर धमकी देकर गए थे कुछ लोग, घटना के खिलाफ टीचर्स का प्रदर्शन। हरियाणा के रोहतक में बेखौफ बदमाशों का कहर, रिटायर्ड कृषि वैज्ञानिक की हत्या। देर रात तक रोहतक में ही मौजूद थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पुलिस सीसीटीवी में सुराग ढूंढने की कर रही है कोशिश। विशाखापट्टनम में बस में आग, बाल बाल बचे 40 यात्री। गुजरात के पोरबंदर में म्यूजिकल इवेंट में हंगामा, 1 लोक गायक ने किया हवाई फायरिंग। मुंबई में 1 ही दिन में 2 नाबालिग बच्चियों से रेप, माहिम के इलाके में 1 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भरतपुर में शादी के जश्न में मातम, छज्जा गिरने से 9 लोगों की मौत। शादी के एक रस्म के दौरान हादसा, रस्म देखने के लिए छज्जे पर चढ़े थे लोग। करनाल में लड़की की चाकू गोदकर हत्या, पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर तेजाब डाला, अब तक नहीं हुई पहचान। इलाहाबाद के ट्रांसपोर्ट नगर में कपड़ों से भरे ट्रक में लगी आग। बिहार के बेगूसराय में अपराध की बढ़ती घटनाओं का विरोध। तेलंगाना के खम्मम में मिर्ची की कम कीमत से भड़क गए किसान। खगड़िया में बैंक से 1 लाख रुपए कैश ले उड़े बदमाश। असम में तेज बारिश और आंधी तूफान से बिगड़ा हाल। नोएडा पुलिस ने आईपीएल पर सट्टेबाजी का किया खुलासा, 7 लोग गिरफ्तार।
लखीमपुर खीरी में एक शख्स ने बैंक की शर्त लगाया प्रताड़ना का आरोप। पानी की डंकी पर चढ़े युवक के अनुसार बैंक ने उसके खाते में जमा रकम नहीं निकाल रहा है कैशियर। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में थर्मोकोल फैक्ट्री में भीषण आग। भीड़ जिले में नेशनल हाईवे पर चलते टेम्पो में लगी आग। यमुनानगर में जाबाज लड़की ने सहेली पर फिक्रे कसने वालों लड़के को जमकर लात घूंसों से पीटा। लड़की ने लड़के छुड़ाए पसीने, बाइक छोड़कर भागा लड़का। बोकारो में मानसिक रूप से बीमार सीआरपीएफ के जवान को लोगों ने बच्चा चोर समझकर बुरी तरह से पीटा। गाजियाबाद के मॉल के सिनेमा हॉल में जमकर हंगामा। इंटरवल के बाद बाहुबली फिल्म की रील नहीं चलने पर हंगामा। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में नौका डूबने के दौरान दर्दनाक हादसा, 8 की मौत, 5 लापता। दिल्ली में बेहद दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार लड़का लड़की की मौत, कार ने मारी थी टक्कर। बदरपुर में मथुरा रोड फ्लाईओवर पर हुआ हादसा, तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मार दी टक्कर। रीवा में इलाहाबाद बैंक के मैनेजर पर जानलेवा हमला, 15 लाख रुपए लूटे। गया में नक्सलियों की साजिश को एसएसबी ने किया नाकाम, 15 किलो का सिलेंडर बम